मैं हूं आशीष, स्वागत है आपका देसी बुक्कड़ में फिर से। आज हम आ चुके हैं गीता कॉलोनी के एक आउटलेट पे, मोमोज का आउटलेट है जिसका नाम है चाइना टाउन। और ये आपको ऑफर करते हैं तंदूरी मोमोज, चिकन मोमोज, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, इनके वाह बहुत फेमस हैं। तो हम अंदर जाएंगे और ट्राई करेंगे इनकी हैंडमेड म्यूनिस के साथ, जो एग की म्यूनिस बनाते हैं, खुद यहीं पे बनाते हैं, बाहर से नहीं लेके आते हैं। एक बार टेस्ट करेंगे इनका और आपको स्वाद बताएंगे कैसा है पूरा, और उसको फिर रेट करेंगे 1 से 10 के स्केल पे। हम एक बार अंदर चलते हैं और बात करते हैं ओनर से कि हमें क्या क्या वैरायटी ऑफर करते हैं। चलिए मेरे साथ। यहाँ पे हमारे पनीर मोमोज है ना, वो अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं सर, ग्रिल हो गए हैं सर बढ़िया से। हाँ जी, हाँ जी। चलो अब ये बनाने वाले हैं, कैसे इसमें क्या क्या डालेंगे बताएंगे? प्याज है और मसाला है, हरी चटनी है और मेयोनीज है। मसाला ही फेमस है आपके यहाँ का? हाँ जी। और अमूल बटर? हाँ जी, हाँ जी। अमूल बटर से हम दिल से प्यार करते हैं, देखो। अमूल बटर यानी जिंदगी। जिंदगी। और ये गई हरी चटनी। हाँ, इसमें क्या क्या डालते हैं सर हरी चटनी में आप? अरे मिंट सॉस। इसमें क्या क्या डालता है? इसमें धनिया और मिर्चें हरी होती हैं और दही, यानी तीखी होती है एकदम बढ़िया वाली। जी, जी। और ये गई मेयोनीज, जो आप हैंडमेड मेयोनीज बनाते हैं, एग मेयोनीज, ये फेमस है आपकी यहाँ की? हाँ जी, हाँ जी। और ये बढ़िया तरीके आपने घुमा दिया है एकदम, आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन कलर आया है। और सर जो कलर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो आपकी जो एक जो मेयोनीज बनी है उसका टेस्ट अलग से ही आएगा लग रहा है मुझे। हाँ बढ़िया एकदम। सर एक प्लेट में कितने पीस होते हैं? 10 पीस होते हैं भाई। 10 पीस होते हैं। और इसका प्राइस क्या है? 90 रुपये। तो दोस्तों 90 रुपये में 10 पीस आपको पनीर मोमोज तंदूरी वाले मिल रहे हैं, और वो भी मेयोनीज घर की बनी हुई है, बढ़िया वाली। सब मोमोज भी घर के बने हुए हैं, यानी सब कुछ मैं अपने हाथ से बना हूं। क्वालिटी A1 है। A1 क्वालिटी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कभी भी नहीं। क्वालिटी और टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, क्योंकि हमें देसी बुक्कड़ हमें चाहिए स्वादिष्ट और सस्ता और बढ़िया। बढ़िया, सही बात है। तो एक बार काम करते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे पनीर तंदूरी मोमोज रेडी हो चुके हैं, एकदम बढ़िया लग रहे हैं यार। तो हम एक बार ट्राई करते हैं इन्हें और आपको बताएंगे इसका फुल रिव्यू, और इसको हम रेट करेंगे 1 से 10 के स्केल पे। तो सारे बुक्कड़ हैं जो वो जुड़े रहे हैं हमारे साथ, हम इसको फुल रिव्यू देंगे आपको। चलिए सो दोस्तों मैं जुड़ चुका हूँ चाइना टाउन के ओनर के साथ, मिस्टर SP चावला के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका देसी बुक्कड़ में। भाई हम इनसे बात करते हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है सर, आप बताएंगे आपकी स्पेशलिटी क्या है? टोटल स्पेशलिटी हमारे पास पनीर मोमो, चिकन मोमो और सोया मोमो है। स्पेशल ये है कि जब से मोमो शुरू हुए तो हमने बनाने शुरू करे, खुद अपने हाथ से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, दिल से खिलाते हैं। तो सर हम प्राउडली बोल सकते हैं कि गीता कॉलोनी में चाइना टाउन 14 ब्लॉक गुरुद्वारे के सामने जो शॉप है ना, वो पहली मोमोज की शॉप है ईस्ट दिल्ली की। तो आप प्राउडली यहाँ पे आइए, और आज जो हम टेस्ट करने वाले हैं तंदूरी मोमो। ये है तंदूरी पनीर मोमोज, आ गया ना उम्र पानी देखते ही सर। तो हम इसे टेस्ट करेंगे पूरा और आपको देंगे ओवरऑल इसका रिव्यू। तो दोस्तों हमारे पनीर तंदूरी मोमोज तैयार हो चुके हैं बनके, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आ रहा है इसका। इसको टेस्ट करते हैं, हम बताते हैं आपको इसका रिव्यू। जो चारों का टेस्ट आ रहा है ना, ग्रिल पे लिया है इन्होंने, जो कोल का टेस्ट आता है, रस का टेस्ट आता है ना, वो टेस्ट आ रहा है इसके अंदर बेहतरीन, यानी कि जो वो टेस्ट आपको घर के ग्रिल पे नहीं मिल सकता, ये आपको कोयले पे सिका हुआ ही मिलेगा। और इनकी जो मेयोनीज है बहुत स्मूथ है, वेरी गुड। 1 more piece। जो मैंने पहली बाइट खाई ना सर, हरी चटनी सही में बहुत अच्छी है। आप आइए यहाँ पे, जो हरी चटनी है इनकी फ्रेश है, टेस्ट बेहतरीन है। आप आइए यहाँ पे, देख सकते हैं आप, ये देखिए इसका, वो देखिए आप ग्रिल कितना बढ़िया एकदम कलर आ रहा है ना इसका, जो वो नॉर्मल नहीं मिलेगा आपको कहीं पे यार। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर है। अगर मैं इसको अंदर दिखाऊँ, इसको एक बार अंदर आपको फीलिंग दिखाता हूँ मैं इसकी, बेहतरीन, यानी पनीर ही पनीर दिख रहा है सर, और ऐसा ही चाहिए। अब पनीर मोमोज है तो उसमें पनीर ही होना चाहिए, और पनीर ही है। तो
दोस्तों हम जुड़ चुके हैं एक चाइना टाउन के ग्राहक के साथ जो यहाँ पे हमेशा खाने आती हैं। तो मैंने उनसे बात की, उनको टेस्ट पसंद है, उनसे बात करते हैं क्या ऐसा है जो बार बार यहीं पे खींचे चले आते हैं। हेलो मैम। हेलो। व्हाट्स योर गुड नेम? काजल। काजल, तो मैम आप, मैं देख रहा हूँ आप तंदूरी मोमोज ट्राई कर रहे हैं कि पनीर वाले? यस। आपको कैसे लगते हैं कि आप यहीं पे बार बार खींचे चले जाते हैं? जो इनकी मेयोनेज बहुत अच्छी है, मेरे को एग मेयोनेज अच्छी लगती है। वैसे चिकन के साथ लोग खाते हैं लेकिन मैं पनीर के साथ स्पेशल डलवा के खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है एग मेयोनेज इनकी। आप यहाँ पे डेली आते हैं? वैसे डेली तो नहीं, लेकिन मैं वैसे आना तो चाहती हूँ, लेकिन आप मेरा देख रहे हो साइज़ फिर फैट बढ़ गया, लेकिन 10 ईयर्स से तो मैं आ ही रही हूँ यहाँ पे। तो 10 ईयर्स से आ रहे हैं, ये इनके जो स्वाद है ना उससे अच्छे तरह वाकिफ होंगे। तो मैम आप यहाँ पे और क्या ट्राई करते हैं? आप तो ये भी ट्राई कर रहे हैं, और क्या ट्राई करते हैं? मैं चिकन मोमोज खाती हूँ। हाँ, आई एम नॉट वेजिटेरियन, सो मैं एग मेयोनेज भी खाती हूँ। इनके एग मेयोनेज में पनीर मोमोज हो, सोया मोमोज हो या चिकन मोमोज हो, मैं सबके साथ एग मेयोनेज जरूर खाती हूँ। तो अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे आते हैं? सबके साथ, इवन हमारी मासी के घर जाते हैं तो पैक करा के स्पेशल ऑर्डर पे आता है कि पैक करा के ये लेके आना। तो मिठाई प्रेफर नहीं करती, मोमोज प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों मीठे का जमाना गया और आपको तंदूरी मोमोज खाने हैं, तो फैमिली का जाइए यहाँ पे और एंजॉय किए तंदूरी मोमोज इनके। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं जुड़ चुका हूँ एक और ग्राहक के साथ, चाइना टाउन के मिस्टर राजेश के साथ। सर आप यहाँ पे कितने साल से मोमोज खाने आ रहे हैं? नहीं, ये मोमोज तो आप कह सकते हो मोमोज, हम तो इसको खुराक कहेंगे। खुराक कहेंगे, ये हमारी खुराक में शामिल हो गया है। यानी डॉक्टर ने बोला है 2 सुबह 2 शाम और 2 रात में है सर? क्योंकि इसको हमने बनते हुए भी देखा है। आप वैसे मोमोज बनते हुए देखो ना जाके, तो बड़े गंदे तरीके से बनते हैं। ये जो आंटी जी बैठी हैं, ये आटा खुद, जैसे हम घर में हमारी माँ बहन आटा गूंथती हैं, ये आटा खुद बड़े साफ सुथरे तरीके से गूंथती हैं, और इनके बनाने का भी तरीका बड़ा हाइजेनिकली है। और इससे हम ये नहीं कह सकते कि इसे खा के, मोमोज खा के कोई बीमार हो जाएगा। बहुत साफ सुथरा बनाया जाता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। अब इनके घर जाके देखो कितनी साफ सफाई है, इसमें से 10 नंबर स्वाद को है। और इनकी जो चटनियां खा के देखी, क्यों लोग दूर दूर से आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं, सफाई भी है स्वाद भी है। सफाई भी है और स्वाद भी है। स्वाद तो हमने टेस्ट किया, 2-1 है सर, हमने 10 में से 12 नंबर दिए हैं स्वाद में। और उनकी चटनी और म्यूनिस है सर, हमने उससे 10 में से 12 नंबर दिए हैं। आप कितना, अगर मैं आपको बोलूँगा पनीर मोमोज इनके 10 में से अगर आप रेट करेंगे, कितना रेट करेंगे बताएंगे? अगर आप 10 में से 12 दे रहे हैं तो मैं 10 में से 100 दे सकता हूँ। तो राजेश सर ने 10 में से 100 दिए हैं। तो आप आइए, यहाँ पे आना बनता है सर। अगर आप आ नहीं रहे हैं ना तो आप मिस कर रहे हैं कुछ, जो स्वाद होता है ना गली का, चटपटी हमारी दिल्ली जो है उसका कुछ मिस कर रहे हैं। आइए गीता कॉलोनी, दोबारा मैं रिपीट करूँगा, 14 ब्लॉक गुरुद्वारे के सामने, चाइना टाउन। तो गाइस आज हमने यहाँ पे टेस्ट किए पनीर के तंदूरी मोमोज, हमें तो सर टू गुड लगे, बहुत मज़ा आ गया। तो आप यहाँ आइए अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय कीजिए पनीर वेज मोमोज और चिकन मोमोज। इनको ये तंदूरी में भी कर देते हैं और इनको ये स्टीम में भी देते हैं। तो आप आइए यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, इन्जॉय कीजिए इनके मोमोज और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगे। जब तक के लिए देखते रहिए देसी बुकर्स। मैं हूँ आशीष, आपसे अलविदा लेता हूँ। और अगर आप अपनी शॉप का वीडियो या रिव्यू बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के एक नंबर आ रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमें, हम आपको पक्का रिस्पॉन्स देंगे सर। तब तक देखते रहिए देसी बुक्कड़, हम आपको मिलेंगे दिल्ली के किसी चटपटी गली में चटकारे मारते हुए बुक्कड़ों के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।